आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर में श्री श्री खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी एरोड्रम रोड पर श्री श्री खाटू श्याम जन्म महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्याम प्रिया मुस्कान शर्मा के मुखारविंद से श्री श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। गुरुवार को कथा के दौरान कथावाचक श्याम प्रिया मुस्कान शर्मा द्वारा सुनाई जा रही संगीत में श्याम कथा में उनके द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रोता जमकर झूमे। इस दौरान श्याम प्रिया मुस्कान ने बरबरी को देवी से वरदान में प्राप्त तीनों तीरों की कथा सुनाते हुए कहा कि उपरोक्त तीनों तीर से बर्बरिक तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे और दुनिया में सिर्फ बर्बरिक ही एक ऐसे को ही ऐसा वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा छोड़े गए तीर पुनः उनके तरकश में आ सकते थे। जबकि ऐसा कहा जाता है कि मुंह से निकला शब्द और बाण से निकला तीर एक बार वापस जाने के बाद पुनः नहीं लौटता। तो आज कथा के पश्चात शाम को महाआरती का आयोजन भी संपन्न हुआ। 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन शाम 5 बजे से श्री खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार छप्पन भोग तुलसी विवाह एवं दीपदान महायज्ञ व महाआरती का आयोजन संपन्न होगा। 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक खाटू श्याम महायज्ञ एवं पूर्णाहुति का आयोजन होगा। 11:30 बजे बाबा श्याम की पवित्र ज्योति के दर्शन के साथ दोपहर 3 बजे खाटू श्याम महिला मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। शाम को 7 बजे ख्यात भजन गायक श्रीधर धरकर छोटे पागल बाबा एवं दीपक शर्मा के मुखारविंद से भजन सरिता बहेगी। इस दौरान अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन भी किया जा रहा है। बरबरीक हम तुझसे संतुष्ट हैं और बरबरीक को ऐसा अतुलित बल प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। देवी माँ बरबरीक को 3 तीर प्रदान करती है। कितने 3 तीर प्रदान करती है? उन 3 तीर में से एक तीर जो रहता है वो बोथरा तीर रहता है। बोथरा माने वो आगे से थोड़ा खोखला रहता है। उसका क्या अर्थ होता है वो आगे समझ आएगा। तो ऐसे 3 तीर देवी माँ और बरबरीक को प्रदान करती है। और इन तीरों की विशेषताएं क्या है? तो इन तीरों की विशेषता है कि जब बरबरीक अपने धनुष से वो तीर छोड़ेगा तो 3 तीर तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी। एक तीर से एक लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और माता कहती है बरबरीक जब एक तीर तुम छोड़ोगे तो वो भी फिर घूम फिर के तुम्हारे वापस तुम्हारे तरकस में आ जाएगा। इतना अतुलित बल अतुलित है, ये अतुल्य है और ऐसा बल किसी के पास नहीं है। ऐसा बल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं था। क्योंकि कहते हैं कि जब तीर से जब बाण छूट जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन देवी माँ की कृपा से बरबरीक को वो अतुलित बल प्राप्त होता है कि वो जब तीर छोड़ेंगे तो वो तीर सारे लोग को जीत करके फिर से बाबा श्याम के पास वापस आ जाएगा। श्री खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी एरोडम रोड इंदौर पर श्री खाटू श्याम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 4 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें 3 दिन की श्री श्याम कथा का आयोजन कल 2 तारीख से चालू हुआ और कल बरबरीक का जन्म उत्सव मनाया गया कथा में। इसके बाद में आज बरबरीक और कृष्ण भगवान का संवाद, कृष्ण भगवान द्वारा इनको गुप्त क्षेत्र में जाकर तपस्या करने का आदेश देना, बरबरीक जनहितार्थ 7 साल की उम्र में गुप्त क्षेत्र में आकर भगवान और शिव और शक्ति का आराधना की और भगवान शिव ने इनको धनुष और माँ भगवती ने इनको अजय 3 तीर दिए थे। आज की कथा का आयोजन इसी के ऊपर श्याम प्रिया मुस्कान शर्मा अपने प्रवचन दे रही है। इसके साथ साथ में कल
महाभारत का प्रसंग आएगा और उसमें बर्बरीक ने शीश का दान दिया था, इस यह प्रसंग का कल वर्णन होगा। इसके बाद में 5 तारीख को चलित अन्नकूट भंडारा रखा गया है शाम को 7 बजे से।